अगर आप छठ महापर्व के लिए बिहार आए हैं और छठ के बाद आपको वापस देश के अन्य हिस्सों में जाना है तो परेशान ना हो। यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, हावड़ा, अमृतसर आदि के मध्य वर्तमान में चलाई जा रही फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के अलावा और 16 छठ पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। बता दें कि इन ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ये स्पेशल ट्रेन पूर्व से चलाई जा रही है। बता दें कि फेस्टिवल स्पेशल के अतिरिक्त ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नई दिल्ली, हावड़ा, अमृतसर तथा अन्य प्रमुख स्टेशनों के लिए छठ स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का फैसला किया है। अब हम आपको पूरी लिस्ट बताने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेन को शामिल किया। बता दें कि गाड़ी संख्या 03358 दानापुर हावड़ा छठ स्पेशल का परिचालन 12 नवंबर को किया जाएगा। दानापुर से यह ट्रेन 2:30 बजे प्रस्थान करेगी। बता दें कि 2:50 पर यह पटना, 3:40 पर बख्तियारपुर, 4:10 पर मोकामा, 5:23 पर केउल और 6:50 पर झाझा स्टेशन पर रुकते हुए 13 नवंबर 2:00 हावड़ा पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 03695 राजगीर आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन 13 नवंबर और 16 नवंबर को किया जाएगा। राजगीर से यह ट्रेन 2:45 पर प्रस्थान करेगी। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 03696 आनंद विहार टर्मिनल राजगीर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 14 नवंबर और 17 नवंबर को किया जाएगा। आनंद विहार से यह ट्रेन 12:30 प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 7:00 राजगीर पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 03679 राजगीर आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 12 नवंबर, 15 नवंबर और 18 नवंबर को किया जाएगा। राजगीर से यह ट्रेन 2:45 पर प्रस्थान करेगी, 3:15 पर बिहार शरीफ, 4:00 बख्तियारपुर, 5:00 पटना, 5:48 पर आरा और 6:53 पर बक्सर पहुंचेगी। तो ये सभी गाड़ी संख्या जो हम आपको बता रहे हैं वो सभी स्पेशल ट्रेन के तहत आते हैं। वहीं गाड़ी संख्या 03680 आनंद विहार टर्मिनल राजगीर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13 नवंबर, 16 नवंबर और 19 नवंबर को किया जाएगा। आनंद विहार टर्मिनल से यह ट्रेन 12:30 प्रस्थान कर अगले दिन 7:00 राजगीर पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 03764 रक्सौल सियालदह फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 14 नवंबर को किया जाएगा। बता दें कि ये ट्रेन रक्सौल से 9:00 प्रस्थान करेगी। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 05583 वन मंखी अमृतसर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 12 नवंबर, 16 नवंबर और 20 नवंबर को किया जाएगा। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 05584 अमृतसर वनमक्खी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13 नवंबर, 17 नवंबर और 21 नवंबर को किया जाएगा। बता दें कि यह ट्रेन अमृतसर से 20:35 पर प्रस्थान कर अगले सुबह 12:30 वनमक्खी पहुंचेगी। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 08010 पटना सालिलमार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 14 नवंबर को किया जाएगा। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 08112 पटना टाटा नगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 नवंबर को किया जाएगा। जो पटना से यह ट्रेन प्रस्थान करेगी, बता दें कि 3:15 पर यह ट्रेन प्रस्थान करेगी और अगले दिन 5:00 टाटा नगर पहुंचेगी। बता दें कि यह स्पेशल ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना साहिब, फतुहा, बख्तियारपुर, मोकामा, केउल आदि स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 03359 काना वाराणसी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 10 नवंबर और 17 नवंबर तक प्रतिदिन किया जाएगा। इसके साथ ही गाड़ी संख्या
03360 वाराणसी बरका काना फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 11 नवंबर से 18 नवंबर तक प्रतिदिन किया जाएगा। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 05585 मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13 और 16 नवंबर को किया जाएगा। बता दें कि गाड़ी संख्या 05586 आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन का परिचालन 14 नवंबर और 17 नवंबर को किया जाएगा। गाड़ी संख्या 04551 रक्सौल आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 12 नवंबर को किया जाएगा। गाड़ी संख्या 06044 दानापुर एर्नाकुलम फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 14 नवंबर को किया जाएगा। तो ये 16 ट्रेनों की लिस्ट थी जो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताई है, जो स्पेशल ट्रेन के तहत चलाई जाएगी ताकि लोगों को बिहार से वापस अन्य राज्यों में जाने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, और इसी को देखते हुए ये स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को शुरू किया गया।